हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज ये हमारा 12वां वीडियो है। इसमें अपन बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट की एंट्री टैली में कैसे की जाती है, और बैंक स्टेटमेंट की एंट्री जो करते हैं उसमें वो जो एंट्रीज होते हैं उनको रीड कैसे करते हैं वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा, वरना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये अपना बैंक स्टेटमेंट है SBI का, इसकी आज अपन एंट्री करेंगे टैली में वो कैसे की जाती है अपन। चलिए सबसे पहले अपन बैंक स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे डिटेल दी हुई है ऊपर में कि इसके नाम क्या है, बैंक अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, एड्रेस कहाँ है, मतलब डेट, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह वगैरह। इसमें जो भी जानकारी है वो इसमें पूरी बैंक, मतलब जो भी ये खाता है बैंक अकाउंट उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है 6 मंथ के, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। तो पहले मैं आपको ये ऊपर जो भी लिखे हुए हैं इनके बारे में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये SBI का बैंक स्टेटमेंट है। अलग अलग बैंकें होती है, बैंकें बहुत सारी है आपको पता है, तो अलग अलग बैंक का अलग अलग बैंक स्टेटमेंट होता है। लेकिन ये मतलब उनका तरीका अलग हो सकता है, बाकी सेम चीज़ सेम ही रहेगी। ये होती है पहली, यहाँ पे TXN लिखा है, तो ये टैक्सेशन डेट बोलते हैं इसको, ट्रांजेक्शन डेट बोलते हैं इसको। तो ये मतलब किस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन की तारीख है। ये वैल्यू डेट, ये ट्रांजेक्शन मतलब कब हो गया, मतलब जैसे मान लीजिए जैसे कि आज हमने कोई ट्रांजेक्शन किया अपने बैंक से, तो अपने बैंक अकाउंट से ये पैसे आज ही कट गए और अगले के खाते में ये पैसे कब जाएंगे उसकी ये वैल्यू डेट होती है। मतलब ये ट्रांजेक्शन कब कब सक्सेस होता है ना, तो ये इसकी डेट है, वैल्यू डेट। ठीक है, तो इसमें दोनों सेम ही दिए है क्योंकि तुरंत ट्रांजेक्शन है वो सक्सेस हो जाते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मतलब ये किस चीज़ की एंट्री है, या जो भी पैसे कटे हैं या आए हैं वो किस चीज़ के आए हैं उनके बारे में यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ होता है। ये रेफरेंस नंबर, चेक नंबर दिए हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक नंबर जो अपन चेक से पेमेंट करते हैं, चेक से लेन देन करते हैं, उसके जो नंबर है वो यहाँ पे दिए हुए रहते हैं, और जो रेफरेंस नंबर है वो सब यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। और ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये बैलेंस है। डेबिट क्रेडिट आप जानते हैं सब, बैलेंस यहाँ पे ये क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं इसको, बैलेंस दिया हुआ है मतलब अपनी बैंक में ये बैलेंस बच रहा है हर एंट्री पे। ये अलग अलग एंट्री है, तो यहाँ पे एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है। डेबिट का मतलब होता है माइनस इसमें बैंक स्टेटमेंट में, और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। मतलब जितने भी क्रेडिट साइड एंट्री है या क्रेडिट साइड जितने भी पैसे लिखे हुए हैं, जो भी लिखे हुए हैं वो सब क्या है, प्लस हो रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में, क्या है, प्लस हो रहे हैं, और डेबिट है वो माइनस हो रहे हैं। तो इसकी एंट्री चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन टैली ओपन करते हैं। टैली अपनी ओपन हो गई, यहाँ पे अपन क्या करें, कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करते हैं सिंपली। आप सबको कंपनी क्रिएट करना आता है, अगर नहीं आता तो मैंने वीडियो बना रखी है पहले, उसे जाके आप देख के सीख सकते हैं कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरली ऐसे नाम लिखूंगा, बैंक स्टेटमेंट और टेली बस, और मैं इसमें कुछ फिल नहीं करूंगा, डायरेक्ट कंट्रोल एस की सहायता से सेव कर दूंगा। ये अपनी कंपनी क्रिएट हो गई। अब अपने को यहाँ पे एंट्री करनी है, तो अपने को यहाँ पे लेजर्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, लेकिन लेजर क्या बनाना है पता नहीं अपने को। तो पहला एक बैंक का लेजर है, वो अपने को बनाना है बैंक का लेजर। बाकी लेजर तो अपन डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बैंक का लेजर यहाँ पे ही अपन इसी यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो में जाके, लेजर्स में जाके यहाँ से अपन बनाएंगे। यहाँ पे डिस्प्ले में देख लेते हैं कौन कौन से लेजर, कैश और प्रॉफिट लॉस अकाउंट दो ही लेजर इसमें बने हुए, बाकी कोई लेजर बना हुआ नहीं है। तो जो भी हमें लेजर रिक्वायर्ड होंगे वो अपने को क्रिएट करने रहेंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट तो बना सकते हैं लेजर, लेकिन मैं आपको पहले एक चीज़ है वो अभी बताऊंगा आपको, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बना रहा बैंक का। तो पहले अपन, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे अपन डायरेक्ट एंट्री से लेजर बनाएंगे। तो अपन पहले यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में डायरेक्ट चलते हैं, और बैंक स्टेटमेंट की एंट्री 3 ही वाउचर में की जाती है, पेमेंट F5 पेमेंट, F4 कॉन्ट्रा और F6 रिसिप्ट। इन 3 ही वाउचर में एक बार एंट्री की जाती है बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ ओनली अपन बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करते हैं तो 3 ही वाउचर में एंट्री की जाती है। फिर ये इनमें जो सस्पेंस आते हैं उनको क्लियर करके वो उनको अलग अलग में डाल जाती, अलग अलग वाउचर में डाली जाती है। लेकिन सबसे पहले अपने को 3 ही वाउचर यहाँ पे काम आते हैं, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, इन 3 में एंट्री करनी है। तो अपन पहले एंट्री देख लेते हैं बैंक स्टेटमेंट में। तो पहली एंट्री यहाँ पे लिखा है 11 अप्रैल 2020, 11 अप्रैल 2020 का ये ट्रांजेक्शन है। इसमें लिखा है टू ट्रांसफर UPI DR ऐसे करके लिखा है, फ़ोनपे और ये SSB ऐसे करके इसमें लिखा हुआ है ना। तो ये फ़ोनपे से क्या है, रिचार्ज क्या हुआ है, ये मेरा अकाउंट है तो मुझे पता है ये 16 रुपये किस चीज़ के कटे हैं। यहाँ पे डेबिट हुआ मतलब माइनस हुआ अपने से, कटे हैं तो मुझे ये पता है किस चीज़ के कटे हैं ये। तो इस यहाँ पे फ़ोनपे मैंने रिचार्ज किया है 16 रुपये का, ये तो मुझे तो पता है ये रिचार्ज किया, तो ये डेबिट हुआ, ये पैसे माइनस हुए। और बैंक क्या हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी बॉक्स दिए हुए इसमें, एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड में पैसे लिखे हैं और क्रेडिट साइड खाली है। यहाँ पे देखिए, डेबिट साइड खाली है और क्रेडिट साइड में पैसे लिखे हैं। जिधर ये पैसे लिखे हुए होते हैं
वो तो क्या है, यहाँ पे ये डेबिट है तो ये पैसे क्या है डेबिट होंगे, और यहाँ पे जो अपन नाम यूज करेंगे, जो भी लेजर यूज करेंगे वो क्या होगा डेबिट, और जो भी यहाँ पे खाली बॉक्स दिए हुए हैं, जिधर भी खाली बॉक्स दिए हैं उन सब में बैंक का नाम आएगा, जो भी अपना बैंक है SBI बैंक उसका नाम आएगा। इसमें दो लेजर यूज होते हैं, इसमें कैश का कोई लेन देन होता है पर मतलब कैश का नाम नहीं आता। यहाँ पे अपने को हर एक एंट्री में एक तो बैंक का लेजर आएगा, बैंक का नाम आएगा। चलिए अपने एंट्री करते हैं टेली में। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने को क्या है, यहाँ पे मैंने रिचार्ज किया, तो रिचार्ज करने के लिए मुझे पता है रिचार्ज किया तो मैं रिचार्ज बहुत सारे करता हूँ अपने अकाउंट से, तो इसके लिए मैं एक लेजर बनाऊंगा। तो क्या लेजर बनाऊंगा, ऐसे मोबाइल रिचार्ज या टेलीफोन एक्सचेंजेस करके ऐसे मैं लेजर बनाऊंगा। मैंने आपको PDF सेंड की थी 39 पेज की, उसमें मैंने बताया था कि मतलब अकाउंटिंग हेड होते हैं, मतलब जैसे उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मतलब ये अलग अलग प्रकार के खर्चे, उनको अपन एक अकाउंटिंग हेड या मतलब एक कॉमन नाम दे देते हैं या कॉमन लेजर दे देते हैं, जिससे क्या है वो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये इस प्रकार के खर्चे हैं। तो मैं ये मोबाइल रिचार्ज, तो मोबाइल जितने भी मैंने मोबाइल रिचार्ज किए उसके लिए मैं एक लेजर बनाऊंगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं अपन एंट्री किस में करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट साइड पैसे अपने पास से क्या गए हैं बैंक से, क्या माइनस हुए पैसे, तो माइनस होते हैं तो अपन किस में एंट्री करते हैं, F5 पेमेंट में। तो पेमेंट में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे F5 अपन प्रेस करेंगे पेमेंट में। यहाँ ऊपर क्या DR मांग रहा है, और ये अपना क्या एजुकेशन मोड है, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो भी ये डेट वगैरह है वो इसमें चेंज नहीं होती, डेट चेंज होती है एक तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, तीन ही डेट अपन चेंज कर सकते हैं एजुकेशन मोड में। बाकी जो भी टेली है उसमें अपन सारी डेट चेंज कर सकते हैं, जो भी अपन परचेज करते हैं वर्जन उसमें सारी डेटे चेंज कर सकते हैं, पर ये क्या है एजुकेशन मोड है अपन पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, इसमें डेटे चेंज नहीं कर सकते। अगर डेटे चेंज कर सकते तो अपन क्या है इसमें काम भी कर सकते थे, तो इसीलिए इसमें डेटे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन एंट्री लेते हैं। पहली पहली एंट्री है, इसमें क्या है अपन जो मोबाइल रिचार्ज किया 16 रुपए का, तो यहाँ पे जो भी 16 रुपए डेबिट है, तो मोबाइल रिचार्ज का जो भी अपन लेजर बनाएंगे वो क्या है डेबिट। तो मैं यहाँ पे लेजर बनूंगा, लेजर बनाने के लिए Alt+C यहाँ से डायरेक्ट मैं शॉर्टकट की का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो ये मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस का ऐसे लेजर बना लिया और एंटर करूंगा। अब इसका ग्रुप ग्रुप होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए क्या है खर्चा है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल के अपन कंट्रोल ऐप प्रेस कर देंगे, ये अपना क्या है लेजर बन गया, लेजर बन गया। यहाँ पे अपन डालेंगे 16 रुपए अभी, तो 16 रुपए जैसे अपन डालेंगे तो ये 16 रुपए एंटर किए, यहाँ पे CR मांग रहा है, CR इसमें कौन है, तो CR इसमें कौन है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या खाली है, तो मतलब क्या है बैंक है CR, क्योंकि बैंक ये बैंक स्टेटमेंट है, ये बैंक का ही लेन देन है, तो इसमें क्या है बैंक से ही पैसे आ रहे हैं या बैंक में ही जा रहे हैं, तो इसमें बैंक का लेजर होगा। तो अपन यहाँ पे CR में अपने को बैंक का लेजर चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए बैंक का लेजर नहीं बना हुआ है, तो अपने को बैंक का लेजर बनाना है, तो Alt+C यहाँ से मैं बैंक का लेजर अपने को, आपको ऑफिस वगैरह में आप काम करो तो बैंक का लेजर एक तरीके से बनाया जाता है, वो क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। आपको नॉर्मली यहाँ पे लिखना SB, सेविंग बैंक अकाउंट है तो SB, और करंट अकाउंट है तो आपको CA लिखना है, ऐसे करके आपको बनाना। तो SB ये अपना सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट, और ऐसे करके आपको ये पाई दे देनी है, और इसके बाद में अकाउंट नंबर लिखना है आपके, जो भी अकाउंट नंबर है, ये जैसे मेरे अकाउंट नंबर है 3853, जो भी ये अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे अपन डाल देंगे, और लास्ट में अपन यहाँ पे वापस ये पाई देखे और जिस बैंक में अपना खाता होगा वो ऐसे लिख देंगे SBI। और मान लीजिए यहाँ पे आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में हो तो आप PNB ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके आपको बैंक का लेजर बनाना है। और यहाँ पे अंडर ये बैंक का लेजर है वो बैंक अकाउंट के अंदर जाता है, तो अपन बैंक अकाउंट के डाल के अंडर डाल के एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये अकाउंट नंबर, IFC कोड, ये जो भी डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, पर अपन करना चाहिए तो, पर अपने को नहीं करनी है, यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, अगर अपन डायरेक्ट लेजर बनाते हैं, अगर अपन यहाँ पे एंट्री करते हुए डायरेक्ट लेजर बनाते हैं, तो यहाँ पे एक नीचे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन आता था, वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो वो अपने को चाहिएगा अभी, तो उसमें थोड़ा अपने को मतलब यूज लेना है उसको। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट अपन लेजर बना रहे तो वो नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं कंट्रोल लेकर के सेव कर देता हूँ, और ये एंट्री को मैं सेव कर देता हूँ। ये एंट्री हो गई अपनी, एंटर करेंगे, और ये मतलब चेक की वगैरह की डिटेल पूछ रहा है आपको, एंटर कर देना, सेव कर देना। यहाँ पे नरेशन पूछ रहा है, तो नरेशन में अपन डाल सकते हैं, और बैंक स्टेटमेंट में नरेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है, आपको नरेशन लिखना चाहिए, हर एंट्री में नरेशन लिखना चाहिए, उससे क्या है मतलब एंट्री अगर अपन देखें तो पता चल जाएगी एंट्री किस चीज़ की। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मोबाइल रिचार्ज पेड, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ नरेशन। आप भी अपने हिसाब से जो भी आपको समझ में आए, या मतलब जो भी आप जहाँ भी आप जॉब करो काम करो वहाँ पे आपको जैसा भी समझ में आए, वो जो भी बोले आपके सर, वो जो भी बोले आपको, वैसा आप नरेशन लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल ए करके मैं इसको सेव कर दूंगा, ये एंट्री अपनी सेव हो गई। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट की एंट्री
करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट, मैंने अभी क्या है अपने ये टैली में कुछ कुछ भी एंट्री की नहीं हुई, इसलिए मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर से एंट्री की है, लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं की जाती, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री बैलेंस मिलाते मिलाते की जाती है। तो वो कैसे कैसे की जाती है बैलेंस मिलाते मिलाते है? मैं आपको बताता हूँ। पहले अपने को यहाँ पे क्या है बैंक का ओपनिंग बैलेंस डालना पड़ेगा। अब बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या है, मतलब ये क्या है, ट्रांजेक्शन 11 अप्रैल 2020 है, तो 11 अप्रैल 2020 से पहले भी बैंक में पैसे तो थे। यहाँ पे देखिए ये क्या है 16 रुपये माइनस हुए, तो यहाँ पे कितना बैलेंस दिखा रहा है क्लोजिंग 271.10, तो मतलब कुछ पैसे तो इसमें थे ही ना, तभी ये दिखा रहा है 271.10। तो ओपनिंग बैलेंस मतलब इस एंट्री से पहले इसमें कितने पैसे थे बैंक में, तो यहाँ पे तो लिखा है बैलेंस एज ऑन 6 अप्रैल यहाँ 287.10 ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई बैंक स्टेटमेंट हो या कोई जो भी पासबुक होती है ना उसमें ये सब नहीं लिखा रहता कि आपका ओपनिंग बैलेंस इतना था, तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है वो आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको निकालना है। जैसे इसमें क्या है ये डेबिट है ये माइनस होता है, क्रेडिट है प्लस होता है, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, तो आपको जो भी लास्ट एंट्री है वो जो आपको यहाँ दिखाएगी तो उससे पहले का आपको ओपनिंग बैलेंस देखना रहेगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे क्या है पैसे माइनस हुए हैं, और यहाँ पे क्या है माइनस होने के बाद जितना टोटल बैलेंस दिखा रहा है वो क्लोजिंग है ना, तो अपने को क्या है इसके पहले का बैलेंस जानना है, इस एंट्री से पहले का जानना है, तो यहाँ पे ये माइनस हुआ है तो इसको अपन प्लस कर देंगे तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस हो रखे थे, ये अभी 16 रुपये मान लीजिए प्लस हो रखे थे, प्लस अगर हो जाते थे तो अपन क्या है इसको वापस माइनस करके ओपनिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे जो प्लस हुआ उसको माइनस कर देना है, और जो माइनस हुआ उसे प्लस करके अपन ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं। ये इजी है, आप भी समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मुझे कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा ओपनिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन पहले ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, जो भी बैंक का लेजर बनाया तो उसके लिए अपन जाएंगे अकाउंट्स इन्फो और लेजर्स में जाके अपन क्या करेंगे लेजर क्रिएट तो किया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले में देख सकते हैं लेजर क्रिएट तो किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, इसमें कुछ डाला नहीं है, लेकिन ये अपन डिस्प्ले देख रहे हैं तो इसमें अपन इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो अपने को छेड़ मतलब इसमें चेंजेस करने के लिए लेजर में अपने को अल्टर में जाना है। अल्टर में जाके अपन ये लेजर में जाएंगे SBI, मतलब यहाँ पे अपन एंटर करके यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे अपन नीचे आते हैं, और ये आ गया ओपनिंग बैलेंस। तो ये पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस मतलब जो भी अपन एंट्री किए है उससे पहले बैंक में कितना बैलेंस था, तो ये आपको डालना जरूरी है, तभी ये बैलेंस मैच करेगा, वरना बैंक अकाउंट से ये बैलेंस मैच नहीं करेगा टेली में, तो ये डालना बहुत जरूरी है। तो 287.10 यहाँ पे दिखा रहा है, तो अपन यहाँ पे डाल देंगे 287.10, ये अपन ने बैलेंस डाल दिया, और एंटर करके और आपको सेव कर देना, एंटर करके सेव कर देना, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्केप करके यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आपको नहीं जाना है वापस एंट्री करने के लिए, वो तो मैंने क्या है बैंक स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं की हुई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप स्टार्टिंग से एंट्री करो तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन आप जहाँ पे भी काम करोगे तो वहाँ पे एंट्री की हुई रहेगी पहले से, तो आपको क्या है यहाँ पे एंट्री करनी है, बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट में जाके आपको ये बैलेंस शीट इसके बारे में आपको वीडियो बताऊंगा और पूरा इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाना है, जो भी ये एरो की है इधर से आप एरो की से मतलब जा सकते हो इधर से उधर, एरो की में यहाँ पे करंट एसेट्स में आ गए अपन, यहाँ से करंट एसेट्स में आपको एंटर करना है, यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर है बैंक अकाउंट, यहाँ पे एंटर करना है, तो ये अपना बैंक का लेजर जो बनाया था ये दिखा रहा है बैंक अकाउंट, और इसमें बैलेंस कितना दिखा रहा है 271.10, और अपना बैंक स्टेटमेंट कितना 271.10 क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, अपन एंटर करेंगे और यहाँ पे ये मंथ दिखा रहा है एंटर करेंगे, तो अप्रैल मई जून जुलाई मतलब कौन कौन से मई मंथ में कितने कितने मतलब यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है 287.10, और अप्रैल में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अपन अप्रैल में एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक एंट्री ये दिखा रहा है, जो भी अपने टेलीफोन एक्सपेंसिस की एंट्री की है वो यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो अपन यहाँ से आगे की एंट्री करेंगे, यहाँ से क्या शॉर्टकट है, और यहीं से आपको करना चाहिए एंट्री, तभी आपका बैलेंस मिलता रहेगा और एंट्री सही होती रहेगी बैंक स्टेटमेंट की। तो अपन अगली एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री है यहाँ पे लिखा है 13 अप्रैल की डेट है बाई ट्रांसफर IMPS, मैंने आपको बताया था पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, और इसमें क्या है क्रेडिट साइड पैसे दिखा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड का मतलब क्या है अपने को प्लस हुए पैसे, अपने बैंक अकाउंट में आए हैं पैसे, तो ये कहाँ से आए हैं, ये इसमें नाम वाम किसी का लिखा नहीं है, लेकिन ये मेरा अकाउंट है तो मुझे तो पता है ये पैसे कहाँ से आए, तो मैं एक हेलो ऐप जो चलता था पहले उसको यूज करता था, उससे जो अर्निंग होती थी वो सब ये पैसे हैं वो आ रहे हैं मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो इसको अपन नाम से एक मतलब लेजर बनाएंगे, मैं अपने हिसाब से लेजर बनाऊंगा, ऐसे लिख देंगे हेलो अर्निंग या मतलब कुछ भी इनकम वगैरह लिख के अपन लेजर बना लेंगे, तो क्या बनाएंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से अब एंट्री करनी है, तो यहाँ से एंट्री कैसे करोगे, आप क्या है यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर आए हो अप्रैल मंथ में, यहाँ से आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट एंट्री कैसे करनी है उसके लिए कुछ शॉर्टकट की है मैं आपको यहाँ से बता दूँ, यहाँ से आपको अल्टर ए प्रेस करना है, आप
क्या प्रेस करना है, अल्टर ए जो भी ये एंट्री दिखा रही है यहाँ पे बाहर है कि आपको अल्टर ए प्रेस जैसे ही करोगे तो डायरेक्ट जो वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वाउचर ओपन हो जाएगा अपने एंट्री करनी है तो एंट्री यहाँ पे क्या है क्रेडिट हुआ है 100 रुपये, मतलब क्या अपने पास आए बैंक में क्या है प्लस हुए हैं ये पैसे, प्लस हुए तो अपन इसमें एंट्री करते हैं F6 रिसिप्ट में। रिसिप्ट में ऊपर क्या मांग रहा है, CR मांग रहा है, CR इसमें कौन है, 100 रुपये CR है, तो मतलब यहाँ पे जो भी नाम है वो CR है, तो अपने को ऐसे पता नहीं ये CR जो भी है ये कौन है CR। तो अपन यहाँ पे एक लेजर बनाऊंगा मैं अल्ट्रा सी से हेलो हेलो इनकम, मतलब जो भी हेलो ऐप है उससे मुझे इनकम हो रही है तो मैं हेलो इनकम करके ये बना दिया लेजर, और ये क्या अपनी इनकम है तो अपन इनडायरेक्ट इनकम में मैं इसको डाल दूंगा और कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगा। अब ये हेलो इनकम कितनी आई मुझे 100 रुपये, तो यहाँ पे मैं 100 डालूंगा। और यहाँ पे DR पूछ रहा है DR इसमें कौन हुआ, तो DR यहाँ पे बैंक ही हुआ। एक तो एक लेजर तो बैंक का ही है क्योंकि बैंक का ही लेन देन है पूरा, तो यहाँ पे अपन बैंक को DR कर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर एंटर कर देंगे। और ये नरेशन इसमें अपन डाल सकते हैं कुछ भी, हेलो अर्निंग या कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, हेलो अर्निंग मैं लिख दूंगा, हेलो अर्निंग, ठीक है ऐसे करके मैं लिख के कंट्रोल है सेव कर दूंगा। ये देखिए दो एंट्री हो गई अपनी, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ये देखो नीचे यहाँ पे दिखा रहा है ये, मतलब 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक मतलब इसमें ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। और ये अपना लेजर है, अपना बैंक अकाउंट का लेजर है, ये बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, डेबिट क्रेडिट ये सब दिखा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे और ये नीचे दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस कितना था अपना और करंट टोटल, मतलब इनका टोटल कितना, डेबिट का कितना टोटल है, क्रेडिट का कितना टोटल है, ये सब यहाँ दिखा रहा है। और ये क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है 371.10, मतलब ये अपन ने एंट्री कौन सी की 100 वाली एंट्री की, तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है 371.10, तो अपना यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है 371.10। तो इस क्लोजिंग बैलेंस को आपको इस क्लोजिंग बैलेंस से मिलाते हुए एंट्री करनी है तभी आपकी एंट्री सही होती रहेगी। अगर ये बैलेंस आपका डगमगा है या गलत हुआ तो समझ लेना कि वो एंट्री गलत थी, इसीलिए यहाँ से एंट्री करना सही रहेगा, तभी आपको पता रहेगा कि मतलब हमने कौन सी एंट्री गलत की या कौन सी नहीं की। ठीक है अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री देखिए 13 अप्रैल को यहाँ बाइन ट्रांसफर UPI ऐसे करके लिखा है जितेंद्रा, मतलब ये कोई जितेंद्र नाम का लड़का है, उसने मुझे ये 300 रुपये ट्रांसफ़र किए, मतलब क्रेडिट साइड तो अपने पास पैसे आए तो मुझे उसने ट्रांसफ़र किए पैसे, तो ट्रांसफ़र किए मैं एंट्री करूँगा यहाँ से अल्टर ए करके, मैं डायरेक्ट वाउचर में जाऊँगा, पैसे आए तो रिसिप्ट में एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे रिसिप्ट में ये CR पूछ रहा है, तो CR यहाँ पे कौन है, ये जितेंद्रा CR है, लेकिन मैं इसका नाम नहीं लिखूँगा जितेंद्र का। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, मान लीजिए यहाँ पे जितेंद्र नाम दिया हुआ है, अगर मान लीजिए ये जितेंद्र नाम नहीं दिया रहता और मान लीजिए किसी अनजान आदमी ने पैसे ट्रांसफ़र किया और आपको पता नहीं है, तो आप उस जगह क्या लेजर यूज़ करेंगे, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। अगर आपको किसी चीज़ का, जैसे ये मैंने 100 रुपये मुझे पता था ये मेरी हेलो अर्निंग है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होता ये हेलो अर्निंग है या नहीं है, तो आप इस जगह किस मतलब लेजर है उसका यूज़ करते और एंट्री को आप कंटिन्यू करते, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक लेजर बनता है सस्पेंस का, तो मैं अल्ट्रा सी से यहाँ पे लेजर बनाऊंगा सस्पेंस। बाकी ये सस्पेंस नहीं है मेरे लिए क्लियर है, पर मान लीजिए आपके लिए सस्पेंस है तो आपको बनाना है सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब होता है दुविधा हिंदी में, मतलब ये अपने को पता नहीं है एंट्री किसकी है, तो बाद में ये सस्पेंस क्या है क्लियर हो जाते हैं, इनको वापस सुधारा जा सकता है, इसलिए इनका अलग नाम से दिया जाता है कि मतलब बाद में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे ये अलग से दिखते हैं और फिर इनको कैसे ठीक किया जाता है। ठीक है यहाँ पे सस्पेंस आपको लेजर बनाना है और अंडर भी क्या है सस्पेंस डाल देना है और कंट्रोल ए करना है। ये सस्पेंस का अपना लेजर बन गया। ये लेजर कहाँ यूज करना है सस्पेंस का, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको नाम समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अमाउंट तो आपको समझ में आ रहा है कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है, या आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो एंट्री करके, रिसिप्ट में होगी या पेमेंट में एंट्री होगी या किस में एंट्री होगी वो आप एंट्री कर सकते हो। और अगर आपको लेजर समझ में नहीं आ रहा क्या लेजर डालूं, तो आप सस्पेंस लेजर का यूज कर सकते हो। ठीक है ऐसे ये आपको मैं बताया। और यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए जितेंद्र यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो जितेंद्र नाम का अपन लेजर यूज करेंगे, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे ये सस्पेंस इसको हटा देता हूँ, अल्टर सी से मैं जितेंद्र का लेजर बना देता हूँ, ये जितेंद्र मैंने लेजर बनाया। अब ये जितेंद्र है क्या मेरे लिए क्या है, तो ये या तो लेनदार है या देनदार है, ये मुझे पैसे क्या है दे रहा है बैंक में, क्या अपने जितेंद्र मुझे ट्रांसफर किए हैं पैसे क्या ट्रांसफर किए हैं, तो ये मेरे लिए लेनदार है या देनदार है, तो ये मुझे मेरे बैंक में ट्रांसफर किए तो मेरे लिए क्या ये लेनदार है, तो सन्ड्री क्रेडिटर है, तो अपन यहाँ पे अंडर ग्रुप क्या डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, ये सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब लेनदार, सन्ड्री डेबिटर मतलब देनदार, ये मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब लेनदार। और ये जो भी नीचे ऑप्शन दिखा रहे हैं मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इन सबको आपको एक बार नो कर देना है, इनको अपन आगे यूज करेंगे, इनका क्या यूज है मैं आपको आगे बताऊंगा।
और यहाँ पे आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। कंट्रोल ए प्रेस जैसे आप प्रेस करोगे ये तो लेजर यहाँ पे आ गया जितेंद्र। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कितने पैसे इसने ट्रांसफर किए, 300 रुपये, तो यहाँ पे मैं 300 रुपये डालूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे डीआर पूछ रहा है, तो डीआर कौन है, डीआर अपना बैंक है। यहाँ पे एक साइड तो बैंक ही रहेगा, एक साइड इसमें लेजर दिए हुए, एक मतलब बैंक स्टेटमेंट बहुत ईजी रहता है। इसमें कौन डीआर होगा कौन सीआर होगा ये खुद बता रहा है। देखिए यहाँ पे जो भी बॉक्स खाली है वो तो बैंक है, वो सब बैंक है, डीआर है चाहे सीआर है, और जो भी पैसे लिखे हैं वो यहाँ पे नाम लिखे हुए उनके वो कौन है जो भी है उनके अपन यहाँ पे लेजर या जो भी नाम है उनका यूज कर सकते हैं अपन। और इसमें बताया गया है कि कौन डीआर है कौन सीआर है, बहुत ही ईजी है बैंक स्टेटमेंट, बस इनको रीड करना आना चाहिए आपको। रीड करना भी मतलब कोई मुश्किल नहीं है, जैसे भी कोई भी आपको नाम है या समझ में नहीं आया तो आप गूगल में उसको टाइप करके आप लिख सकते हो कि ये नाम है और इसको बैंक स्टेटमेंट में इसका क्या मतलब होता है, ऐसे करके आप अगर टाइप करोगे तो वो आपको बता देगा। बहुत सारे नाम होते हैं, अभी आपके पास कुछ कुछ नाम आएंगे मैं आपको बताऊंगा। और चलिए चलते हैं अपन अगली ये एंट्री की तरफ। यहाँ पे बैंक अपना जो भी डीआर कौन है अपना बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डीआर करके एंटर एंटर करके अपन यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं कि जितेंद्र ने अपने को पैसे दिए, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन मैं कुछ नहीं लिखूंगा और एंटर करके कंट्रोल ए करके या एंटर एंटर करके सेव कर दूंगा। और अब यहाँ पे कितना बैलेंस दिखा रहा है अपने क्लोजिंग, 671.10। यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 300 के बाद 671.10, मतलब अपनी एंट्री सही चल रही है। तो एंट्री सही चल रही है और बैलेंस भी सही चल रहा है। अगर मैं आपको एक एक एंट्री करके बताऊंगा तो ये बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का है और वीडियो है जो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो मैं जो सेम एंट्री आएगी वो नहीं करूंगा। और मैं अगर सेम एंट्री नहीं करूंगा तो अपना जो भी ये क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ से मैच नहीं खाएगा। आपको अगर क्लोजिंग जो भी आप बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करो आपको तो पूरी एंट्री करनी है ना, तो आपको क्या है ये बैलेंस देखते देखते हर एंट्री पूरी करनी है, तभी आपका बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, उसकी एंट्री कंप्लीट होगी। लेकिन मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, तो जो भी सेम एंट्री है उसको मैं अभी नहीं करूँगा, जो भी मतलब नई एंट्री होगी वो मैं आपको करके बताऊँगा। तो चलिए अपन अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री कौन सी है, इसमें ये लिखा 14 अप्रैल बाई ट्रांसफर INB IMP। ये देखिए ये जो INB ये 100 रुपये जो मैं हेलो एप्स आए वैसे ये 30 रुपये हेलो एप्स आए हैं, तो ये एंट्री आपको समझ में आएगी, सेम वैसे ही एंट्री होगी जो मैंने ये 100 रुपये वाली की थी, इसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। और ये जो 149 रुपये का है ये देखिए 15 अप्रैल को इसमें लिखा हुआ है फोन पे मतलब रिचार्ज किया हुआ है 149 रुपये का, तो ये 16 रुपये का रिचार्ज किया था, सेम टू सेम वैसे ही एंट्री हो जाएगी टेलीफोन एक्सपेंसेस में ये चली जाएगी। अगली एंट्री है ये वापस 45 रुपये, और ये 15 रुपये ये सब क्या है हेलो ऐप से मेरे आए हुए हैं बैंक अकाउंट पैसा आए हुए हैं, और ये 5000 रुपये ये जो है ये मतलब हेलो ऐप से नहीं आए हुए, ये मुझे किसी ने ट्रांसफर किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए नाम नहीं है और मुझे भी पता नहीं है किसने ट्रांसफर किए, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है। जो भी जिसका भी अकाउंट होता है उसको तो पता रहता है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ये किसने ट्रांसफर किया, तो अपन इसको सस्पेंस में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये एंट्री करके बताता हूँ, ये मतलब सीआर साइड है मतलब सॉरी क्रेडिट साइड है, तो ये एंट्री किस में होगी, रिसिप्ट में होगी। तो अपन रिसिप्ट में यहाँ से एंट्री करेंगे, अल्टर ए करके मैं डायरेक्ट वाउचर में जाऊँगा और रिसिप्ट में एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे सीआर पूछ रहा है सीआर कौन है, तो सीआर यहाँ पे पैसे लिखे हुए लेकिन जो भी नाम है वो लेजर है वो अपने को समझ में नहीं आ रहा। तो इसके लिए अपन अगर आपको लेजर नाम समझ में नहीं आ रहा तो आप किस लेजर का यूज़ करेंगे, सस्पेंस के लेजर का यूज़ करेंगे। तो आप सस्पेंस यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहाँ पे कितने पैसे हैं 5000 रुपये, तो अपन यहाँ पे 5000 रुपये एंटर करेंगे डालेंगे। यहाँ डीआर पूछ रहा है डीआर कौन है, बैंक अकाउंट है, और अपन यहाँ पे एंटर कर देंगे। और जो भी ये नरेशन है इसमें अपन लिख सकते हैं कि मतलब ये क्या चीज़ की एंट्री है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं ये IMPS ये जो भी नंबर है ये अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, पता नहीं किससे आए हैं आप, ये IMPS और ये नंबर ऐसे नरेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एंट्री को सेव कर दूंगा। अब जैसे मैंने एंट्री को सेव की 5000, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या दिखा रहा है 5671, लेकिन ये 5000 की एंट्री पर 5612 है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस अपना नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने ये बीच में जो भी एंट्री है वो छोड़ दी थी, इसलिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये एंट्री इस प्रकार से की जाती है। अगली एंट्री है ये वही हेलो ऐप से पैसे आए हैं, और इससे अगली एंट्री है 3 मई, 3 मई को ये एंट्री है ATM WDL ATM कैश ऐसे करके लिखा हुआ है, और केराब तहसील ऐसे करके इसमें लिखा हुआ है, और 4000 रुपये डेबिट हुए, मतलब ये क्या है 4000 रुपये अपने खाते से गए हैं मतलब निकले। तो ATM का मतलब आपको सब पता है, अपन ATM यूज़ करते हैं बैंक में, और WDL का मतलब है विड्रॉल, इसमें ये शॉर्ट में नाम लिखे रहते हैं ऐसे, अगर अपने पैसे निकाले ATM से खाते से तो ATM WDL ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब है ATM से पैसे निकाले, ATM इसको विड्रॉल बोलते हैं, ATM विड्रॉल अपने पैसे निकालें। तो इसकी एंट्री कैसे की जाती है, तो पैसे निकालें तो क्या है अपने ही बैंक अकाउंट से अपने पैसे निकालें, तो कैश अपने पास आया, तो कैश और बैंक दो नाम आ गए, कैश और बैंक मतलब अपने ही दो अकाउंट है, कैश अपना कैश खाता और एक अपना बैंक खाता, अपने ही दो खाते हैं, तो दोनों खातों में लेन देन हो रहा है। तो अपन एंट्री किस में करेंगे, F4 कॉन्ट्रा में, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट अल्ट्रा ए करूँगा और F4 कॉन्ट्रा में जाऊँगा,
और यहाँ पे क्वांटम एंट्री करूँगा तो सीआर पूछ रहा है, तो इसमें सीआर कौन है, यहाँ सीआर साइड है खाली है, सीआर कौन है, इसमें बैंक है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में सीआर कर दूंगा। कितने पैसे हैं यहाँ पे, 4,000 रुपये डाले हुए, 4,000 रुपये मैं यूज लूंगा और एंटर एंटर करके एंटर प्रेस करके आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे डीआर पूछ रहा है, तो डीआर कौन है, इसमें डीआर कौन है, यहाँ पे लिखा ATM WDL, ATM कैश, मतलब क्या ATM से पैसे निकालें क्या है ये, यहाँ पे जो भी ATM WM ये सब यहाँ पे लेजर अपन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या है ये अपन कैश निकालें तो यहाँ पे अपन कैश का लेजर यूज करेंगे। अगर ऐसा आपको नाम दिखाई देते हैं तो वहाँ पे अपन कैश का ही लेजर यूज करेंगे, तो यहाँ पे कैश का अपन लेजर यूज करेंगे और एंटर करके यहाँ पे नरेशन में जाएंगे। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि कैश कैश विड्रॉ, कैश विड्रो ऐसे करके अपन नरेशन में लिख सके और कंट्रोल ले करके सेव कर सकते हैं। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगली एंट्री है वापस ATM WDL विड्रोल, सेम ऐसी एंट्री है। और ये जो भी बैंक बैंक स्टेटमेंट हो, तो बैंक स्टेटमेंट होते हैं इनमें क्या है, चार पाँच हर एक दो मतलब हर जो भी बैंक स्टेटमेंट होता है किसी किसी बैंक का, वो उसमें क्या है मतलब चार पांच प्रकार की एंट्री होती है, मतलब ज़्यादा प्रकार की नहीं होती है, अलग अलग बैंक स्टेटमेंट में अलग अलग प्रकार की एंट्री होती है। कोई कोई मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनके खाते में अलग अलग एंट्री होती है, लेकिन चार पाँच प्रकार की एंट्री होती है, पैसे निकालने की, किसी को देने की, किसी से आने की, या आजकल क्या रिचार्ज वगैरह सब भी ऑनलाइन पेमेंट इन्हीं से करते हैं, तो वो सब ज़्यादा एंट्री हो गई। तो अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगली एंट्री है ATM WDL, ये मतलब पैसे निकालें, सेम एंट्री वैसे ही हो जाएगी। अगली एंट्री है यहाँ पे टू ट्रांसफ़र UPI, यहाँ पे फोन पे, मतलब ये 399 रुपये का आपको पता है रिचार्ज, आप अमाउंट दे के भी पता लगा सकते हैं कि ये इसका क्या हुआ है, मतलब तो इसमें पता चल रहा है 399 रुपये का, आपको सब पता है कि रिचार्ज होता है तो यहाँ पे रिचार्ज किया हुआ है, सेम वैसे ही एंट्री होगी। टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट में एंट्री हो जाएगी, मैंने आपको ऊपर बताई थी सेम वैसे ही। और ये 100-100 रुपये क्या हेलो ऐप से आ रहे हैं मेरे, और ये 10 रुपये क्या है, ये 10 रुपये यहाँ पे पंकज लिखा है, मैंने क्या है पंकज को ट्रांसफर किया, पंकज को पेमेंट किया 10 रुपये का, तो इसकी एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अल्ट्रा ए करेंगे अपन और F5 पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे। DR पूछ रहा है, DR कौन है, पंकज, इसमें नाम लिखा है पंकज, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो पंकज, आप डाल सकते हो पंकज, लेकिन ये क्या है आपको अगर मान लीजिए ये समझ में नहीं आएगा ये सन्ड्री क्रेडिटर है या लेंदर है, 10 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आपको पता नहीं है लेनदार है देनदार है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप पंकज लिख के भी उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं कि मतलब ये पंकज कौन है एंड ग्रुप मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे भी बैंक स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पंकज लिख के मैंने ये 10 रुपये का ट्रांजेक्शन है, 10 रुपये मैंने एंटर किए। CR है, CR इसमें कौन है, CR क्या है अपना बैंक है, तो यहाँ पे बैंक अपन CR करेंगे, सॉरी पंकज हो गया, यहाँ पे बैंक अपन CR करेंगे, एंटर एंटर करके यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं कि मतलब ये पंकज ऐसे करके DR करके ये नंबर दिए हुए हैं, ये सब अपन यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, या ट्रांसफर टू ये जो भी नंबर दिए हुए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए कर दूंगा, ठीक है। अगली एंट्री है, अगली एंट्री दी हुई ये 226.90 रुपये, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू ट्रांसफर UPI DR पेटीएम, मतलब पेटीएम वोडाफोन, मतलब ये क्या है रिचार्ज किया हुआ है, लेकिन आप सबको पता है कि 226.90 का कोई रिचार्ज नहीं होता है, रिचार्ज मतलब 399 का, 149 का, ऐसे करके 226 का हो सकता है रिचार्ज, पर 226.90 का कोई रिचार्ज नहीं होता। तो ये क्या है अपन आप सब यूज़ करते हैं पेटीएम, जो भी ये पेटीएम फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो इनके वॉलेट होते हैं, जैसे मान लीजिए पेटीएम उसके वॉलेट होते हैं, मान लीजिए अपने गेम से उस वॉलेट में मान लीजिए 10 रुपये या 20 रुपये अपन ने कमाए हैं, तो वो वॉलेट के पैसे अपन वहाँ से यूज़ करेंगे और आधे पैसे क्या है अपन बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक अकाउंट से यूज़ करके अपन कोई रिचार्ज करते हैं, तो आधे तो ये बैंक स्टेटमेंट से कट के मतलब बैंक से कट के और आधे क्या वॉलेट से कट के ऐसे करके वो कंप्लीट रिचार्ज हुआ है, तो इसमें आधे पैसे ये मतलब इनको अपन क्या बोलेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, मतलब अपने लिए क्या ये रिचार्ज किया मोबाइल रिचार्ज। तो जो पहली एंट्री मैंने आपको 16 रुपये बताई थी सेम वैसे ये एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री है 45 रुपये, अपने हेलो ऐप्स आए हैं ये 100 रुपये है क्या है ये सब आए हैं, और 21,000 रुपये ये CSH से लिखा है, DEP लिखा है, CDM लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कैश CDM लिखा रहता है इसमें, इसका मतलब क्या होता है कैश डिपॉजिट मशीन, मतलब जो आजकल क्या है ATM के साथ साथ कैश डिपॉजिट मशीन भी लगाई रहती है, मतलब बैंक वाले क्या है बैंक में आजकल मतलब जो थोड़े बहुत पैसे जमा करने होते हैं उसके लिए बैंक वालों ने क्या है एक मतलब कैश डिपॉजिट मशीन बनाई हुई है, तो उसमें अपन जो भी है मतलब उसमें पैसे अपन खाते में जमा कर सकते हैं उस मशीन की सहायता से। आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में भी। तो ये सब जो भी लिखा हुआ है CSH या DEP का मतलब क्या है डिपॉजिट,
ये जो बैंक स्टेटमेंट होता है इसमें शॉर्ट शॉर्ट नेम लिखे रहते हैं इनको, आपको अगर आपको नहीं पता रहता आप गूगल में इनको सर्च कर सकते हो शॉर्ट नेम को कि बैंक स्टेटमेंट ऐसा नाम लिखा है तो इसका क्या मतलब है, वो आपको बता देगा कि ये ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, ये इस चीज़ की एंट्री है, वैसे अपन एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये पता है और आपको समझ में आएगा, CDM कैश डिपोजिट मशीन, मशीन से पैसे जमा करवाए हुए अपने बैंक अकाउंट में, तो यहाँ पे 21,000 रुपये क्या अपने बैंक अकाउंट में आए हैं, पैसे जमा करवाए हैं, तो क्या कैश जमा हुआ है, तो यहाँ से अल्ट्रे करके मैं डायरेक्ट वाउचर में जाऊँगा और F4 में एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, CR पूछ रहा है ऊपर, तो CR कौन है, कॉन्ट्रा में एंट्री करेंगे क्योंकि कैश और बैंक नाम आया है, क्योंकि अपने दो खाते हैं उनमें ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि पैसे अपन ही जमा कर रहे हैं, अपने कैश अकाउंट है उसमें से अपन पैसे लेके बैंक अकाउंट में जमा करा रहे, तो कैश से माइनस हो रहा है और बैंक में प्लस हो रहा है, अपने ही दो खातों में प्लस माइनस हो रहा है, तो एंट्री किस में करते हैं अपन, F4 कॉन्ट्रा में। तो यहाँ पे 21,000 रुपये अपन एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे CR पूछ रहा है, तो यहाँ पे CR कौन है, CR है ये कैश, तो अपन यहाँ पे कैश CR करेंगे और कितने रुपये, 21,000 रुपये अपन एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे DR, यहाँ पे DR कौन है अपना बैंक अकाउंट है, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे, ऐसे करके एंट्री सेव हुई, ये सारी एंट्री होगी। ऐसे करके आपको बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करनी है, आपको देखो कैश विड्रॉल की डिपॉजिट किसी को पैसे देने हैं और किसी से लेने हैं और ये जो भी अपन मोबाइल रिचार्ज वगैरह खर्चे वगैरह इसकी एंट्री करते हैं उसके बारे में बता दिया, और ये जो भी मेरा ये बैंक स्टेटमेंट में इसमें सारी इसी प्रकार की एंट्री है, आप सब एक बार इसको देख लेना, अगर कोई इनसे अलग एंट्री हो तो मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में या पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा एंट्री वो क्या है, वो कैसे होगी और क्या नहीं है। और आपके घर में या बैंक अकाउंट सॉरी आपके घर में जो भी बैंक के पासबुक है उनमें भी एंट्री हुई हुई होगी, तो आप उनको रीड कीजिए, आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा एंट्री कि पैसे कैसे गए हैं आए हैं, उनकी एंट्री आप बुक में या कॉपी में कर सकते हैं। और आप अगर आपको समझ में नहीं आया कोई नाम या कोई एंट्री आपको समझ में नहीं आई कि इस एंट्री को कहाँ करना है ये कैसे करना है, आपको अगर ये सब समझ में नहीं आए तो मुझे आप व्हाट्सएप में या मतलब ये वीडियो के कमेंट में कैसे भी करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, अगले वीडियो में मैं नए बैंक स्टेटमेंट के साथ आपको मिलूँगा, उसमें भी थोड़ी अलग प्रकार की एंट्री लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और जो भी मन में हो कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।